एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इंडियन आइडल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। फिनाले से पहले मुश्किल में पड़े कंटेस्टेंट मोहम्मद दानिश, दर्ज हो सकता है केस। जी हां दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ समझाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, इंडियन आइडल से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, आपको बता दें, शो इंडियन आइडल 12 के टॉप 7 कंटेस्टेंट दमन से सीदा अपने होम टाउन पहुंचे थे। शो मेकर्स ने उन्हें सीधा अपने घर पर पहुंचने के निर्देश दिए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब वे अपने अपने शहर पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन पर जमकर प्यार की बौछार की। शो के कंटेस्टेंट के स्वागत के वीडियोज और फोटोज सामने आए हैं। अब स्वागत का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे कंटेस्टेंट मोहम्मद दानिश ने अपने YouTube अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में दानिश खुली कार से लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही बता दें, इस दौरान उन्होंने ना तो मास्क पहना हुआ है और ना ही लोगों से निश्चित दूरी बनाई हुई है। लोगों का हुजूम उनकी कार के आसपास इकट्ठा है। वे लोगों से हाथ मिला रहे हैं और लोग उन्हें माला पहनाने के लिए आपस में होड़ कर रहे हैं। हर कोई उनकी एक झलक पा लेना चाहता है। वीडियो से जाहिर है कि जब तक दानिश कार में थे तब तक उन्होंने मास्क लगाए रखा था। लोगों से मुलाकात करते समय मास्क उनके चेहरे पर नहीं लगा था। जी हां दोस्तों, लोग सैकड़ों की तादाद में दानिश के समर्थन में इकट्ठा हुए। इस दौरान दानिश कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आए। वे सैकड़ों की भीड़ में बिना मास्क के थे। दानिश मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। वहां के लोगों ने उनके स्वागत में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी, पर महामारी के बीच बिना सुरक्षा उपायों के लोगों के बीच जाना उनके खिलाफ जा सकता है। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो दानिश पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन ना करने पर केस दर्ज हो सकता है। इतनी बड़ी भीड़ को निरंतर में रखने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ की भी हालत पतली हो गई है। जी हां दोस्तों, बता दें कि इंडियन आइडल 12 में 7 कंटेस्टेंट्स बाकी हैं। मोहम्मद दानिश की गिनती टॉप कंटेस्टेंट में की जा रही है। जी हां दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो, ये थी छोटी सी खबर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।